ऑपरेशन अजय अभी हाल ही में, यह एक ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इसके बारे में आइए देखते हैं कौन से परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य होने वाले हैं। इन दिनों इसराइल और फलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग चल रही है। भारत ने वहां फंसे हुए अपने नागरिकों की सुरक्षित देश वापसी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसे ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। लड़ाई के बीच इसराइल से भारत आने के इच्छुक लोगों के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट और अन्य तरह की व्यवस्था की जा रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में लगभग 18,000 भारतीय इसराइल में रह रहे हैं। इजरायली आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के यहूदियों का है, जिनकी पृष्ठभूमि कोच्चि, कोलकाता, मुंबई से जुड़ी है। इजरायल में बड़ी संख्या में व्यापारी, आईटी पेशेवर और घरेलू कर्मचारी आदि कार्यरत हैं। इसके अलावा विभिन्न इजरायली विश्वविद्यालयों और संस्थानों में करीब 900 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। ऑपरेशन अजय की सीमा मांग पर निर्भर करेगी। जरूरत के आधार पर सरकार द्वारा क्षमता बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है, इस साल यह विदेश से भारतीय नागरिकों की निकासी का दूसरा अभियान है। इससे पहले इस साल अप्रैल मई में संघर्षग्रस्त सूडान, जो कि एक अफ्रीकी देश है, से हजारों भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था।